उज्जैन से बड़नगर रोड के गांव चिकली में रावण का मंदिर बना हुआ है, जहां पर दशहरे के दिन रावण की पूजा की जाती है। गांव वालों का मानना है कि यहां पूजा की परंपरा आज से नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। कोई नहीं जानता कि रावण का मंदिर कब और किसने बनाया, लेकिन दशहरा पर रावण के पूजन का सिलसिला आज भी चलता है। गाँव में रहने वाले वीरेंद्र बताते हैं कि हमारे पूर्वजों को हमने रावण की पूजा करते देखा है और अब हम भी इसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। गांव के ही केसर सिंह ने बताया, एक बार ग्रामीण रावण की पूजा करना भूल गए थे। इसके बाद गांव में भीषण आग लग गई और काफी नुकसान भी हुआ था, जिसके बाद हमेशा दशहरा पर रावण की पूजा का विधान है। ग्रामीण बताते हैं कि कई लोग अन्य गाँव से अपनी अपनी मुराद लेकर भी रावण की पूजा के लिए आते हैं। चिकरी गांव में ग्रामीण दशहरे के पर्व पर शाम को रावण दहन भी करते हैं। यहां चैत्र माह में आने वाली नवरात्रि के आखिरी दिन नवमी और दशहरा पर मेला भी लगता है। रावण का मंदिर वर्षों पुराना होने के चलते अब ग्रामीण रावण के मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। बीते दो वर्षों से कोरोना के चलते गाँव में लगने वाले मेले की राशि और ग्रामीणों द्वारा इकट्ठा की गई 5 लाख की राशि से अब रावण के मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अवंतिका नगरी से 18 किलोमीटर गांव चिकली है और मध्य में गांव के मध्य में दशानंद जी का मंदिर है और सामने राम जी का मंदिर है। दाएं हाथ पे हनुमान जी बैठे हैं, बाएं पे माता जी बैठी है और एक दशानंद जी के सामने एकदम जो बड़े बड़े शहर या अयोध्या जैसे में गेट है ऐसा गेट बना हुआ है और ये एक नाला है जिसको हम सरयू नदी मानते हैं। ये मानो गेट और गेट के पीछे श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण सहित मंदिर अच्छा भव्य बना हुआ है और दशानंद जी ठीक उनके सामने देख रहे हैं राम जी के। और यहाँ चैत महीने बहुत धूमधाम से दशहरा मनाया जाता है। उस दिन इनको पुतले बिठा के वध किया जाता है। छकड़े के रूप में हम रथ बनाते हैं जिसमें राम लक्ष्मण जानकी जी रहती है, जानकी जी का हरण होता है, हनुमान जी बनते हैं, 10-20 आदमी राम जी के बनते हैं और 10-20-25 आदमी दशानंद जी की सेना यहाँ बन के ने जो उत्सव होता है शायद कहीं और नहीं देखा होगा। लंका दहन भी होता है और पूजन तो इनकी बहुत 100 साल तक का इतिहास है कि चलती आ रही थी, पर भव्य रूप में नहीं मनाई जा रही थी। एक दो जो यहाँ सच्चेता हमें दिखाई दी, यहाँ एक शिक्षक महोदय थे कहीं यूपी के, उनका कहीं तबादला नहीं हो रहा था, उनने यहाँ के ने 5 नरियल का पिंडोला चढ़ाया गया और मन्नता करके ने गए। उनको मतलब तीसरा दिन लेटर मिल गया और वहाँ वापस आए और यहाँ 51 नरियल चढ़ा के भव्य पूजन की उनने और तीसरे दिन ही उनको लेटर मिल गया। आज जो है विजयादशमी है और पूरे देश भर में आज रावण का पुतले का दहन किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में आज यहाँ पर क्या प्रथा है आपकी? आज तो हम इनका पूजन करते हैं और इनके दर्शन करते हैं, नरियल वगैरह चढ़ाते हैं और यह गांव में जो भी दिक्कतें आती है मान्यता है कोई दिक्कत नहीं आने देते हैं। अब के भी अभी बारिश बहुत कम होने से मतलब सारी चिंताएँ थी, बारिश नहीं हो रही थी। उस दिन इनसे नरियल चढ़ाए गए, उसी दिन शाम को इतनी बारिश हुई, गंभीर का जो डैम भरा वो हम तो इन्हीं के कारण मानते हैं, इतनी बारिश हुई कि इनके चरणों तक पहुंच गया पानी इसका माता। और उस उत्सव में कम से कम यहाँ 5-25 गांव के लोग आते हैं, बहुत बड़ा मेला लगता है, बाज़ारों से दुकानें भी आती है, खरीदारी भी बहुत होती है और बस यही है कि पूजन अच्छी तरह। नाम क्या है? मेरा नाम है कैलाश नारायण व्यास, पूर्व सरपंच। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट।